Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well. So this is me Kainat Fatima and welcome back to my YouTube channel. So आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं घर में रिबॉन्डिंग करने का तरीका. तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच जाए. सो आज हम यहाँ पर रिमोट की किट यूज़ करने वाले हैं. ये रिमोट कैरेटिन सिल्की स्ट्रेट रिबॉन्डिंग किट है. तो इसके अंदर हमें इन्होंने तीन क्रीम्स दी हुई हैं जिस पे हमें नंबर दिए हुए हैं. ये नंबर 1 है तो इसे सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे और ये नंबर 2 है, ये फिक्सर है. और नंबर 3 हमारे पास है हेयर मास्क जिससे हमने हेयर्स को वॉश करना है. तो अब हम रिबॉन्डिंग करना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमने हेयर्स को अच्छे से वॉश कर लेने हैं, हेयर्स में कोई ऑयल या डस्ट ना लगी हुई हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हेयर्स होने चाहिए. सो ये हमारा बिफोर लुक है. हमने हेयर्स को अच्छे से वॉश कर लिए हैं और इसे ड्राई कर लिए हैं. हेयर्स बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए. सो अब हम हेयर्स को 4 पार्टीशन कर लेंगे. कुछ इस तरह से हमने आगे के 2 पार्ट कर लिए हैं और पीछे से 2 पार्ट कर लिए हैं और इसे क्लिप कर दिया है. अब हम इसमें से थोड़े थोड़े से बाल लेकर नीचे से कुछ इस तरह से और इस पर हम फर्स्ट क्रीम अप्लाई करेंगे जिस पे नंबर 1 लिखा हुआ था. सो यहाँ हमने इस बाउल में निकाल ली है और हमने क्रीम को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगानी है. हमने क्रीम की बचत बिल्कुल नहीं करनी है, जितनी हम क्रीम ज़्यादा लगाएंगे उतना ही हमारा रिज़ल्ट अच्छा आएगा. और गर्दन को हमने बिल्कुल भी नहीं हिलाना है क्योंकि अगर गर्दन हिल गई तो फिर ये इसके बालों में वेव आ जाएगा. हमने क्रीम अप्लाई करना स्टार्ट कर दी है और इस तरह से हमने पहले ब्रश की मदद से क्रीम को अप्लाई किया है. सेकंड पार्ट से भी हमने थोड़े से बाल लिए हैं और इस पर भी हम क्रीम अप्लाई कर देंगे पहले ब्रश से. और अब इस तरह से हमने इसे फिंगर्स की मदद से अच्छे से क्रीम को हमने एब्जॉर्ब कर देना है बालों में. इस तरह से जैसे हम मसाज कर रहे हैं बालों का, इस तरह से ये क्रीम बालों में एब्जॉर्ब हो जाएगी. और फिर बालों को हमने बिल्कुल स्ट्रेट करना है. कॉम की मदद से, टेल कॉम लिया है हमने यहाँ पर और इसे बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया है. इसी तरह हमने ऊपर के बालों को भी इसी तरह से क्रीम अप्लाई करनी है ऊपर के बालों में और इसे कॉम कर करके बिल्कुल स्ट्रेट करना है. और इसी तरह हमने चारों पार्ट्स में क्रीम अप्लाई कर देनी है और अच्छे से बालों में क्रीम को एब्जॉर्ब करना है. सो यहाँ पर हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं. अब हम यहाँ से ऊपर वाला पार्ट लेंगे और फिर से कान की तरफ ही अप्लाई करके और कान की तरफ ही नीचे छोड़ देंगे क्योंकि कान के पास जो हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं वो सही से स्ट्रेट नहीं हो पाते हैं. तो इसलिए हमने यहाँ पर अच्छे से क्रीम लगाकर और इसे इसी तरफ छोड़ देना है. और फिर इसी तरह हमने दूसरे साइड से भी बालों पर क्रीम अप्लाई करनी है.
सो यहाँ पर क्रीम हमने अप्लाई अच्छे से कर दी है और हमने कॉम की मदद से बालों को बिल्कुल स्ट्रेट ही रखा है ताकि इसमें वेव ना आ जाए। और हमने अगर क्लाइंट गर्दन हिलाता भी है तो आपने उससे वापस से कॉम करके बालों को स्ट्रेट कर देना है ताकि इसमें वेव ना आ जाए। इस क्रीम को हमने 1 घंटा रखनी है क्योंकि इनके बाल ज़्यादा थिक हैं, इसलिए हमने इसमें 1 घंटा लगाया है। अगर आपके बाल थोड़े हल्के हैं तो फिर आप इसमें 1/2 घंटा 1/4 घंटा लगाएं। आप बाल को चेक भी कर सकते हैं, जैसे हम बाल को खींचेंगे तो वो बाल टूटने लगेगा और लचक आने लगेगी उसमें, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें इसका रिज़ल्ट आ चुका है। इसे हमने 1 घंटा रखा है और इसमें हमने बार बार कॉम करते रहना है। फिर हमने इसे 1 घंटे बाद वॉश कर लेना है। तो वॉश करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने इतना पानी सर पे डालना है कि ये बालों में से अच्छे से क्रीम निकल जाए। हेयर्स को वॉश करेंगे हेयर मास्क से, जो कि हमारे पास नंबर 3 है। मास्क को भी हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से लगाएंगे। सो यहाँ हमने हेयर्स को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हमने इस पे टावल को बिल्कुल बांध कर नहीं रखना है, बिल्कुल हल्के हल्के टावल से हम इस तरह से इसका पानी सुखाएंगे और फिर हम इसे हेयर ड्राई करेंगे। तो अब हम हेयर ड्रायर से अच्छे से बालों को ड्राई कर लेंगे। सो यहाँ पर बाल अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें अगेन 4 सेक्शन कर लेंगे। अब हम बालों को स्ट्रेट कर लेंगे स्ट्रेटनर से। सो यहाँ हमने छोटी छोटी सी लेयर्स ली हैं, बिल्कुल थोड़ी थोड़े से बाल लेकर और इसे स्ट्रेट किया है। एक ही लेयर पे हमने 4 से 5 बार मशीन को चलाया है इस तरह से। इसी तरह से हमने सारे बालों को स्ट्रेट कर लेना है। सो हमने यहाँ पर बालों को अच्छे से स्ट्रेट कर लिया है। आप देख ही सकते हैं बाल स्ट्रेट होकर कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे सेकंड क्रीम, जो कि फिक्सर है। हमने अगेन 4 पार्ट कर लिए हैं और जैसे हमने फर्स्ट क्रीम अप्लाई की थी उसी तरह हमने सेकंड क्रीम को भी अप्लाई कर देना है। और इसमें भी हमने क्लाइंट की गर्दन को बिल्कुल हिलने नहीं देना है। सो यहाँ पर सेकंड क्रीम अप्लाई हो चुकी है। इसे भी हमने कॉम की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट कर देने हैं हेयर्स को और फिर इसे हम 1/4 घंटे में वॉश करवाएंगे हेयर मास्क से, जो कि हमें प्रीमोड का नंबर 3 है हेयर मास्क। और फिर इसे हम अब वॉश करवा देते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। सो इस तरह से हमने अगेन इसे वॉश करवा लिया है। सो अब हम इसका हेयर ड्राई करेंगे और फिर इसका आपको लुक दिखाएंगे बिना स्ट्रेटनर के। सो यहाँ हमने इसे स्ट्रेट नहीं किया है, बिफोर लुक आप देख चुके हैं और ये आफ्टर लुक है। अब हमें इसे एक और बार स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करेंगे और फिर हमने इस बालों को अब वॉश नहीं करवाना है। हम इसे अब 2 दिन बाद वॉश करेंगे। 2 दिन तक आपने बालों को खुला छोड़ देना है, इसमें कोई वेव ना आ जाए। आपने केचर भी या पोनी बिल्कुल भी नहीं लगानी है। 2 दिन बाद भी आपने इस पर शैम्पू नहीं करना है, आपने इस पर कंडीशनर यूज़ करना है। कंडीशनर से आपने हेयर वॉश करवाने हैं। शैम्पू और कंडीशनर आप ब्रीमोड का भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो कोई और भी ले सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। हमने यहाँ पर ब्रीमोड का कंडीशनर और शैम्पू लिया है और 2 दिन बाद हम इसी से ब्रीमोड के कंडीशनर से हेयर वॉश करेंगे और फिर इसके 2 दिन बाद हम शैम्पू से वॉश कर सकते हैं बालों को।
सो ये 2 दिन बाद हेयर वॉश करवाया है और फिर से सुखा लिया है। इसमें हमने सीरम लगाया है हल्का हल्का सा सिल्की का। अब हमने इस पर स्ट्रेटनर नहीं किया है, तो ये फाइनल लुक है हमारा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।